नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देश में टमाटर की जो कीमत है वो आसमान छू रहे हैं, जिसको देखते हुए जो अब तस्कर है वो टमाटर की तस्करी कर रहे हैं। नेपाल से टमाटर की तस्करी हो रही है और उसे बिहार लाया जा रहा है और बिहार के रास्ते पूरे देश में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम के मार से भारत में टमाटर 200 रुपये किलो के पार हो गया है। टमाटर की मांग को देखते हुए नेपाल से रोजाना 200 से 300 टमटम टमाटर भरकर तस्करी की जा रही है और नेपाल से इसे रक्सौल लाया जा रहा है और रक्सौल से ट्रक में भरकर देश के अन्य हिस्सों में भेजा जा रहा है। देखिए किस तरह से टमटम पर जो है टमाटर लादकर जो है तस्करी की जा रही है। पहले आप वीडियो देखिए। तो आपने देखा कि टमटम के सहारे टमाटर की तस्करी हो रही है। नेपाल से बीरगंज और रक्सौल के रास्ते जो है भारत टमाटर को लाया जा रहा है और फिर इसे बिहार के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि तस्कर नेपाल से टमाटर को टमटम से भरकर शंकराचार्य द्वारा होते हुए मैत्री पुल तक पहुंचाते हैं, फिर प्रेमनगर अहिरावा टोला होते हुए टमटम से भरा टमाटर रक्सौल पहुंचाता है, और यह सब तस्करी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि पूरे दिन में चलता है। लेकिन सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान तस्करी के टमाटर देख आंख बंद कर लेते हैं। नियमानुसार कोई भी खाद्य वस्तु एक देश से दूसरे देश में ले जाने से पहले उसकी फूड टेस्टिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। टमाटर की फूड टेस्टिंग नहीं कराई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जिस तरह से टमाटर की तस्करी नेपाल से हो रही है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो टैक्स है उसको भी बचाया जा रहा है और टैक्स ना देकर सीधे जो खाद्य वस्तु है उसे देश में लाया जा रहा है और इसे अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम के कारण देश में टमाटर की जो पैदावार है वो कम हो गई है, जिसके कारण टमाटर की जो कीमतें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है, मांग भी ज़्यादा है और कहीं कहीं 200 से अधिक रुपए किलो जो है टमाटर मिल रहा है। इसका फ़ायदा देखते हुए जो तस्कर हैं वो अब टमाटर की तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल में 25 रुपए प्रति किलो जो है टमाटर मिल रहा है और वहीं भारत में इसे 200 के आसपास बेचा जा रहा है, तो कई गुना का फ़ायदा जो है वो तस्करों को हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा है और जो तस्कर हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके टमाटर के माध्यम से जो है पैसा कमा रहे हैं। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।